मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। दिस इज योर हिंदी वीडियो। दिस वीडियो इज फॉर क्लास सिक्स। ये वीडियो आपकी बुक बसंत भाग एक का है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टिकट एल्बम। देखिए टिकट एल्बम, अब स्टोरी इसकी समझ गई। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। देखिए, पहले राजप्पा के पास कोई एल्बम था, उसके बाद नागराजन आया। नागराजन के जो मामा जी थे वो सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने उसे एक एल्बम भिजवाया था जो वो लड़कों को दिखाया करता, और सब लड़के उसको घेर कर यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते उस एल्बम को देखने के लिए। और जमघट लगा रहता का अर्थ होता है एक उसके चारों तरफ ढेर सारे बच्चे खड़े रहते। कुछ बच्चे इकट्ठा होकर उसके घर तक हो आए, किस लिए? एल्बम देखने के लिए। पर नागराजन क्या था, वो एल्बम किसी को छूने नहीं देता था, सिर्फ अपनी गोदी में रखकर पन्ने पलट पलट कर ही दिखाया करता था। और तो और, कक्षा की लड़कियां भी अब उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। अगवा मतलब उनके आगे चलने वाली, यानी उनकी लीडर बनी। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। किसे? पार्वती को। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबीना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। देखिए, नागराजन ने अपना एल्बम अपने मामा जी से मंगाया था, यानी उसके मामा जी ने उसे भेजा था, लेकिन राजप्पा ने अपना एल्बम खुद अपनी मेहनत से तैयार किया था। कभी किसी को किसी देश के 2 टिकट देकर दूसरे देश के टिकट लेता, और शाम को आते ही घर से अपने माँ से चबेना यानी चना लेकर जेब में भर लेता और कॉफ़ी पीकर खड़े खड़े निकल जाता। यानी उसने उस एल्बम को बनाने में बहुत मेहनत की थी। पहले सारे लड़के राजप्पा के पीछे पीछे ही उस रहते, क्योंकि उन्हें उसका एल्बम देखता था, लेकिन अब नागराजन एल्बम ले आया था तो सारे बच्चे नागराजन के पीछे रहते थे। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और, अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी बेकार है। अब उसका कंपैरिजन किसके एल्बम से करते हैं? नागराजन के। पर राजप्पा ने एल्बम
राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था, उसे छू लेना भी कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन। लेकिन राजप्पा ने जो उसके पास भी जो एल्बम था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन राजप्पा ने कभी नागराजन के एल्बम को देखने की कोई इच्छा नहीं दिखाई थी। लेकिन जब लड़के नागराजन का एल्बम देख रहे होते तो वो चोरी छुपे उनका एल्बम देख लेता था और वो अपने मन में सोचता था कि नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा है। लेकिन उसका एल्बम उसे किसने भेजा था? उसके मामा ने, और उस पर लिख दिया था मोती से कि मोती जैसे अक्षरों में AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल के लिए एल्बम मेरा है रहेगा। यानी उस कहा है कि जो एल्बम को चुराएगा वो बेशरम है। वो जब तक घास, यानी घास जब तक हरी है और कमल लाल, और जब तक यानी अनंत काल तक, हमेशा के लिए ये एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। टीप लिया का अर्थ होता है नकल कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहेंगे। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब ऐसे डराया, मतलब उसको चेतावनी टाइप से दी। ऐसे होता ना, थोड़ा सा हड़क के बोल देते हैं उस तरह से। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को चलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भखारी। अब राजप्पा को खराब तो लगता था, क्योंकि पहले लड़के उसके पीछे पीछे घूमते थे और अब नागराजन के पीछे पीछे घूमने लगे थे, और जो उसके एल्बम पे लिखा हुआ था ये सब, तो लड़के और लड़कियां उसकी कॉपी कर रहे थे। तो उसने कहा कि तुम लोग उसकी कॉपी क्यों कर रहे हो? नकलची हो, नकल क्यों करते हो? तो उसमें सब चुप थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा कृष्णन था, उसने कहा कि तुम जलते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो राजप्पा बोला, नहीं, मेरा एल्बम उसके एल्बम से भी बड़ा है। अरे, उसके पास जो टिकते हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे, पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा, पर मेरे पास जो टिकट हैं वे कहाँ हैं उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो देखे, कृष्णन ने उससे कहा कि उसके पास इंडोनेशिया का टिकट है, तुम्हारे पास है? दिखा दो अगर तुम्हारा एल्बम बहुत अच्छा है। तो राजप्पा बोला, जो मेरे पास टिकट है वो उसके पास नहीं है। तो कृष्णन ने बोला, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। तो सब बच्चे, कोरस का अर्थ होता है सब बच्चे, लड़के एक साथ गाने लगे। इस बात को राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, पर अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था, रात को लेट जाता, सहसा ना जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन उसने तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया, अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही है ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे।
उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो यूं ही उल्लू बनाया, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। देखिए वो थोड़ा परेशान रहने लगा था अपने टिकट एल्बम को देखकर, क्योंकि उसने तो बहुत मेहनत से बनाया था और लड़के उसका उस बात पर मजाक बनाते थे, तो उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। तो एक दिन उसने क्या किया, राजप्पा के घर पहुंच गया। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। हूँ, राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा, भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तो उसकी बहन जो थी कामाक्षी, उसने कहा कि भैया घर पर नहीं है, यानी नागराजन घर पर नहीं है। तो उसने उससे कहा कि आपने भैया का एल्बम देखा है, बहुत सुंदर है, स्कूल में सब तारीफ करते हैं उसकी। तो राजप्पा इस बात से थोड़ा कुड़ गया। उसने कहा बड़ा होने से क्या मतलब, साइज बड़ा उससे क्या होता है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले पर टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा, गला सूख रहा था और चेहरा नमतमाने लगा था। रात 8 बज गए। अप्पू आया, हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब उसने क्या किया, राजप्पा ने नागराजन के उसकी दराज से खोलकर एल्बम चुरा कर अपने घर ले आया और छिपा दिया। रात को जब अप्पू आया, उसने कहा कि नागराजन का एल्बम कहीं खो गया है। हम और नागराजन, मैं यानी अप्पू और नागराजन बाहर गए हुए थे और देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया। भिड़ा लिया मतलब बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कि कहीं कोई देख ना ले। यानी उसने दरवाज़ा भिड़ा, अलमारी के उसने एल्बम निकाला और फिर वापस बंद कर दिया उस एल्बम को। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। रात सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा अब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह किस तरह चाहे सोच ले, कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खड़की, पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। अब गलती तो राजप्पा ने की थी, क्योंकि उसने राजप्पा का नागराजन का
एल्बम चुरा लिया था। तो अपू ने जब उससे आके ये कहा कि कामाक्षी यानी नागराजन की बहन कह रही थी कि हम लोग के जाने के बाद सिर्फ तुम वहाँ आए थे, तो वो अंदर ही अंदर इस बात से डर रहा था। और उसने ये भी कह दिया कि उसका नागराजन के जो पापा हैं वो पुलिस को बुला रहे हैं, तो वो इस बात से डर रहा था। जैसे ही बाहर की सांकल यानी कुंडी खड़की तो वो बोला पुलिस, उसके मन में लगा कि पुलिस। भीतर सांकल लगी थी, दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन, अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता, अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा यानी पीछे की ओर, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची यानी एक पतीला रखा हुआ था, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे, राजप्पा की आंखों में आंसू थे। आंसू तो इसलिए भी थे, एक तो उसने चिड़न में जेलस में उसका जो एल्बम था वो अंगीठी पर रख दिया था, और आंसू इसलिए भी थे क्योंकि उसे भी टिकट बहुत प्यारे थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीली तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसे देखते ही बोला मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट से नीचे उतर आया। एक मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यह रहा मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भर आया था। वो जब नागराजन देखे राजप्पा के घर आया, उसने कहा कि मेरा एल्बम खो गया है, और वो रो रहा था और उसके और छुपा के रो रहा था। ये बात राजप्पा ने देख ली तो उसने क्या किया, अपना एल्बम लाकर उसको दे दिया। उसने कहा कि तुम मेरा एल्बम रख लो। लेकिन नागराजन को ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि राजप्पा अपना एल्बम किसी को नहीं देता था। ठीक है तो मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के। रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से, वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं, नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे आऊँगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। देखिए, उसको एल्बम बहुत प्यारा था राजप्पा को, लेकिन क्योंकि उसने गलती की थी और नागराजन भी उस बात से बहुत दुखी था कि उसका एल्बम खो गया है, और गलती उसने क्या की थी कि उसका एल्बम चुरा कर अंगीठी में जला दिया था, और इसलिए उसने उसे अपना एल्बम दे दिया। लेकिन वो इतना प्यार करता था कि उसने कहा कि एक रात के लिए मुझे दे दो ताकि मैं इसे जी भर के देख लूँ। और वो ले आया और उसने दरवाज़ा बंद करके एल्बम को चिपका कर अपनी छाती से खूब जोर जोर से रो दिया। नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। हैव अ गुड डे।